माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थानों में कौशल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लैंड हैंड इंडिया संस्थान स्किल ऑन व्हील के तहत सोमवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र सुंदरनगर में एक शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि संस्था द्वारा कौशल शिक्षा और विद्यार्थी एवं शिक्षकों को कौशल शिक्षा के बारे में जागृत करने के लिए हिमाचल प्रदेश समग्र शिक्षा के अंतर्गत लैंड हैंड इंडिया संस्था द्वारा प्रदेश के स्कूलों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। युवा पीढ़ी को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए लैंड हैंड इंडिया संस्था द्वारा शुरू किया गया स्किल ऑन व्हील कार्यक्रम व्यवसाय शिक्षा के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के शैक्षणिक और आर्थिक विकास को नई दिशा देने में सहायक सिद्ध हो रहा है। स्कूल स्तर पर छात्रों को कौशल शिक्षा के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक व्यावसायिक शिक्षा के विकल्प, इससे चुनने की प्रक्रिया, इन विषयों में करियर के अवसर है। कौशल शिक्षा के छात्रों और स्कूलों में होने वाले लाभ, कौशल शिक्षा प्रदान करने वाली सरकार की योजनाओं, कौशल शिक्षा के उपलब्ध विकल्पों के संबंध में, इन सभी सवालों पर मार्गदर्शन करने के लिए लैंड हैंड इंडिया संस्था ने शुरू किए इस कार्यक्रम के बारे में युवाओं को व्यवसाय शिक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए विशेष मुहिम के अंतर्गत शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने 1 जनवरी को शिमला से इसका शुभारंभ किया। उन्होंने इस दौरान व्यवसाय शिक्षा के लिए आवश्यक कौशल्य सिखाने वाले साधनों के बारे में जानकारी भी ली। मैं संघमित्रा लैंड हैंड इंडिया पे एज ए स्किल डेवलपमेंट ऑफिसर ज्वाइन किया है मैंने। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये हमारी एक बस है मल्टी, जिसमें बहुत सारे क्षेत्र के वोकेशनल के बहुत सारे ट्रेड्स यहाँ पे हैंड ऑन एक्सपीरियंस बच्चे कर सकते हैं। ये प्रोग्राम हमने एक्चुअली 2 तारीख को शिमला से छोटा स्कूल से फ्लॉग ऑफ किया था। जो यहाँ के स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसको देखा, काफ़ी इसकी सराहना भी हुई वहाँ पे, और फिर उन्होंने इसको कॉन्क्लेट किया और हमने फिर वहाँ से जर्नी शुरू। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य एक्चुअली फिर वहाँ से अभी हम लोग इस जर्नी शुरू किया है। करीब ये 10 दिन पूरे हिमाचल में 6 डिस्ट्रिक्ट्स पे ये ट्रैवल कर रहा है। बेसिकली हमने ये सोचा था कि हमारे जो बाकी जितने विंटर स्कूल्स और यहाँ पे समर स्कूल दोनों तरह के स्कूल है, तो वो दोनों को कवर करें, क्योंकि अभी विंटर स्कूल छुट्टियों पर है, तो हम समर वाले डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे समर स्कूल्स है वो कवर कर रहे हैं। और ये बस एक्चुअली बिल्कुल स्पेशलाइज्ड है वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, तो कि बच्चे जाने कि क्या क्या ट्रेड्स है और ये क्या कर सकते हैं। भी आप कोई चीज को पढ़ते हो टेक्स्ट बुक जो टेक्सचुअल है, उससे बेटर होता है कि आप देखो उस चीज को। सुंदरनगर में उसके बाद कहाँ जाएगी? सुंदरनगर से ये बस जाएगी अभी धर्मशाला को, फिर वहाँ से हमीरपुर, नालागढ़, पौंटा साहेब, ऐसे वो जाएगी। और लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। मीटिंग्स स्पेशल Interesting, close and personal, near relations are born at Nexa, a new destination, a new experience. Nexa. लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।